हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा प्रदेश ऐसा हो, मेरा भारत ऐसा हो, सपने सोचता है, लेकिन जब समय आता है सपने पूरे करने के लिए कार्य नहीं करता, सिर्फ सोचता ही रहता है। अपना वोट डालने से पहले, अपने देश का भाग्य निर्धारण करने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि मुझे अपने सपनों का भारत बनाने के लिए किस व्यक्ति को चुनना है। हम पिछले एक सप्ताह से मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं। आज पत्रकारिता जगत की एक ऐसी हस्ती जिनके विचारों से दिशा निर्धारित होती है, जो पत्रकारों का आदर्श है, जो इस समाज में अपने विचारों से समाज में प्रभाव डालते हैं, ऐसी शख्सियत श्री संजय राठी जी। संजय राठी जी, आपसे मेरा एक ही सवाल, मेरे सपनों का भारत कैसा हो? संजय राठी जी के सपनों का भारत कैसा हो? निसंदेह ही इस भारत की आजादी में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, जिन भारत माँ के सपूतों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सपने थे कि हमारा हिंदुस्तान शोषण से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ रोजगार और जीने का अवसर मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ शोषण ना हो। लेकिन इस 7 दशक के सफ़र में अगर हम अतीत में देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्वर्ग से उन महापुरुषों की आत्माएं इस देश के हालात को देखकर चित्कार कर उठती होंगी। आज चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, एक दूसरे का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं। ज़्यादातर वो लोग सत्ता प्रतिष्ठानों में काबिज हुए बैठे हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों की जूतियाँ उठाई थी, जिन्होंने हमारे उन महावीर जो स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे उनकी खुफिया जानकारियाँ अंग्रेज़ों तक पहुँचवाई थी। आज उन्हीं की पीढ़ियाँ इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज हैं, या कुछ वो चापलूस लोग जो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल के जात पात को बढ़ावा दे के दंगे और षड्यंत्र करके सत्ता की ऊंची कुर्सियों तक पहुंचे हैं। आज इस देश में हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, करोड़ों हाथ बगैर काम के हैं, चंद घरानों की पूंजी बहुत हजारों करोड़ों तक पहुंच गई है, लेकिन आम गरीब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना उनके सिर पे छत है, ना भरपेट भोजन है, ना उनको शिक्षा है, ना चिकित्सा है। ऐसे भारत की कल्पना करके हमारा रोम रोम थर्रा उठता है। पिछले 10 सालों में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, देश का अन्नदाता बदतर हालत में है, ना उसको पौष्टिक भोजन है, ना उसको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं, ना उसको सम्मान है, ना उसको रोजगार है, और चंद सिक्के उसकी तरफ फेंक के उनके मत को लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां बेहद क्रूर मजाक करती रही हैं, और अब भी वो मजाक जारी है। इस 130 करोड़ के देश में जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपराध, कुपोषण जैसी समस्याएं मुंबई खड़ी हैं, वहां हम दुनिया के विकसित मुल्कों के साथ अपना मुकाबला बता के अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं।
हमने पिछले 70 साल में लगातार हम वोट डालते रहे हैं, सरकारें चुनते रहे हैं, लेकिन जनता तो हर बार हारती है। जनता की हालत बद से बदतर होती रहती है। एक तरफ हम इस चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी करते हैं, उन नई उम्मीदों के साथ, उन नई आशाओं के साथ कि हमारा देश खुशहाल होगा, शोषण का अंत होगा, न्याय का शासन होगा। लेकिन हमारे सारे जो अंग हैं, चाहे न्यायपालिका है, चाहे हमारी विधायिका है, चाहे हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे पत्रकारिता है, सारे जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ भर भरा के गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार का दीमक उनको खा रहा है और इस देश में मीडिया से जो उम्मीदें थी कि लोकतंत्र को लगातार मजबूत करके ताकत देगा, मीडिया भी आज बिका हुआ दिखता है, मीडिया भी आज दबाव में दिखता है, मीडिया भी आज प्रायोजित हो चुका है। ऐसे में लोकतंत्र के माध्यम से जो जनता की उम्मीदें हैं वो उनको टूटती दिख रही हैं और लगातार एक पूरा देश एक ऐसे भ्रम जाल में फंस गया है जहाँ से निकलना बेहद कठिन दिख रहा है। ऐसे में आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो छात्र हैं, उनको आगे आना होगा और जो जनपक्षीय ताकतें हैं, जो इस देश का हित चाहती हैं, हमारे पूर्वज तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज अगर आज हम अपने ही देश में आज़ाद होते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते, हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते और इस दमन और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। हम ऐसी उम्मीद ना करें कोई फरिश्ता आके इस देश को स्वर्ग बना देगा। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें और कुछ अपने सुख का, कुछ अपने साधनों का त्याग करके इस समाज को जागृत करने के लिए और इस देश में एक बेहतरीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना योगदान करें। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय लोक लुभावने नारे देके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं और जो लोग जनता के बीच में आके उनके दुख सुख के साथी होने का दावा करते हैं, उनके दुख तकलीफ में साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वो न जाने चुनाव के बाद कहाँ गुम हो जाते हैं और जनता फिर हाथ मलती रह जाती है और अगले चुनाव का इंतजार करती है। आज पूरा माहौल इस तरह का बन गया है कि जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित हो चुकी है। आज हमारे देश के नौजवान अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते हुए उनको डर लगने लग गया है। ज़्यादातर हमारे नौजवान विदेशों में जाकर अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए क्या होगा। बढ़ती जनसंख्या पर हमें नियंत्रण लगाना होगा, जिसका कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय को आगे नहीं लेके आना चाहती। जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है, संसाधनों के ऊपर इतना भारी दबाव है कि हम चाहकर भी अपने देश को विकसित देश नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का जो आलम है वो बहुत भयानक है। हमारे नौजवान, उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में इस मुल्क के लिए उनकी ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पाती है। उनकी शिक्षा की हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अपना रोजगार सम्मान के साथ अपनी आजीविका कार्जन कर सकें। हमारे देश में महिलाओं की हालत बदतर होती जा रही है, उनको ना कहीं समान अवसर जीने के हैं, ना कहीं उनको किसी तरह की विधायिका और लोकसभा में उनको किसी तरह का 33% आरक्षण की लगातार बात होती है, लेकिन वो भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के नाम पे घटिया राजनीति की जा रही है पार्टियों के द्वारा, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर जिस तरह लोगों के अंदर टकराव और एक तरह की ईर्ष्या का भाव पैदा किया जा रहा है, वो बहुत ही मुल्क की गंगा जमुना जो तहजीब है उसको नष्ट करता जा रहा है। जातियों का जो आपसी टकराव है उसकी हमें बिल्कुल इस मुल्क में ना जरूरत है ना हमें उम्मीद करनी चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां जातीय विद्वेष पैदा करके इस मुल्क में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही हैं, ऐसी ताकतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। जाति और धर्म, ये दोनों चीज़ें राजनीति से दूर रखने की ज़रूरत है। राजनीति स्वस्थ मुद्दों के ऊपर की जानी चाहिए। देश के भविष्य को, देश को विश्व
पटल के ऊपर एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए की जानी चाहिए, ना कि राजनीति मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं गुरुद्वारे के नाम पर, कहीं चर्च के नाम पर की जाए। धर्म का राजनीति में समावेश इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा एक खतरनाक संकेत और संदेश है। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा, खासतौर पर छात्र, इस देश को बचाने की मुहिम में आगे आए। आज हमें जरूरत है देश में संसाधनों के समान बंटवारे की। 15% लोगों के पास देश का 85% धन इकट्ठा हो गया है, जबकि 85% लोग मुश्किल से अपने दो जून का भोजन जुटा पाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत अच्छा राठी जी, आपने चंद मिनटों में ही देश का 70 साल की यात्रा का आकलन करके दिखाया। 70 साल की लोकतंत्र की यात्रा में गरीबी और अमीरी के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महिलाओं के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, देश में जातीय धार्मिक दंगे विद्वेष बढ़ाया जाता है। हमें उस देश में नहीं रहना, ऐसा भारत नहीं चाहिए हमें जिस देश में ऐसी समस्याएं हों। हम चाहते हैं हमारे देश में, हमारा भारत ऐसा हो, कोई जातीय दंगा ना हो, कोई धार्मिक उन्माद ना हो, सभी को रोजगार हो, सभी को स्वास्थ्य हो, सभी को शिक्षा मिले, सभी का सम्मान हो, हर व्यक्ति की योग्यता उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर उसका आकलन किया जाए। ऐसा भारत हम पत्रकारों का सपना है। हम चाहते हैं कोई ऊंच नीच ना हो, ऐसा मेरा सपनों का भारत है। जय हिंद, जय।